येषां विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवे भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जीवन में ध्येय यानी लक्ष्य के बिना कुछ नहीं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। हम चुनौतियों का मुकाबला करके ज्यादा बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं, ना कि उनसे भागकर। कोई इम्तिहान जिंदगी से बड़ा नहीं। बेहतर तैयारी और योजना बनाकर ही हम हर इम्तिहान बेहतर ढंग से दे सकते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल जहां हर कोई कुछ डिफरेंट करना चाहता है। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू बी ऑन द टॉप। बिजी स्केड्यूल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड प्रेशर टू मीट डेडलाइंस। कंपटीशन, टेंशन और स्ट्रेस ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। वैसे तो यंग एज इज सेड टू बी द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और स्टूडेंट के लिए खुद को बेस्ट प्रूव करना और ऐसे कई फैक्टर्स स्ट्रेस का कारण बनते हैं। और जब बात हो बोर्ड एग्जाम्स की तो बेस्ट परफॉर्म करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबके कई सारे सजेशंस और इंस्ट्रक्शंस हर टाइम पढ़ने का प्रेशर स्ट्रेस को और भी बढ़ा देता है। इसका इफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस पर पड़ता है और फिर कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल लगता है। लाइफ में स्ट्रेस से बच पाना जरा मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी ये है कि हम इसका सामना कैसे करते हैं। अक्सर हम ये पहचान नहीं पाते कि हम पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है ये पहचानना कि क्या हम वाकई स्ट्रेस में हैं। You seem to be getting ready for your examinations. I could see a ray of anxiety in your face. You have a few queries in your mind. How do I prepare for these examinations? How do I complete the revision of my syllabus so that I can gainfully appear in the examinations? The first thing that you need to know about writing an examination is that you should not press your panic button. ये जो महीने होते हैं ना, ये मुझे मालूम है कि आप लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल महीने होते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक घर में, स्कूल में और फ्रेंड्स में एक ही बात होती है, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, अभी ऐसे क्यों बैठे हो और अभी वैसे क्यों बैठे हो। और मुझे पता है कि इन्हीं बातों से आप छिड़ते हो और इन्हीं बातों से आपको बहुत गुस्सा भी आता है। तब आप दरवाज़े पटकते हो, शायद वही चीज़ खाते हो जो मना है, और घंटों घंटों कई बार फ़ोन के आगे लगे रहते हो या टेलीविज़न के आगे बैठे रहते हो। जानते हो कि ये क्यों करते हो आप? क्योंकि ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस है। I feel it's like muscle tension. It can be indigestion. I feel if you feel like crying a lot. Very strange kind of things happen. Person also feels drained out. Like you might not be able to sleep properly. Lack of concentration. Backache and pounding and frequent heartbeats. I think it's shallow or fast breathing. Chest discomfort. ये आप जानते हैं कि क्या हो रहा है आपको? एक तो आपको लगता है कि parents आपसे बहुत ज़्यादा expect करते हैं, और दूसरा आपको लगता है टीचर्स आप